हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। मैं हूं कुंवर नागपाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द ऑल न्यू 2023 होंडा एलिवेट के बारे में। होंडा एलिवेट 2023 का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 10.99 लाख रुपीस से और जाता है 15.99 लाख रुपीस तक। इस कार के अंदर आपको यहां पे 4 वेरिएंट्स बेसिकली ऑफर किए जा रहे हैं जो कि है SV, V, VX और ZX। आज हमारे पास इसका बेस वेरिएंट यानी कि इसका SV वेरिएंट जो कि ना मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। इस कार के अंदर अब क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में ना हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ज़रूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले अगर प्राइसिंग से स्टार्ट करें तो इस कार का एक शोरूम प्राइस है 10.99 लाख रुपीज़। अभी इंजन में आपके यहाँ पर सिर्फ एक इंजन ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है इस कार में जो कि रहेगा 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बाकी कॉम्पिटिशन के अंदर आपको टर्बो पेट्रोल, हाइब्रिड पेट्रोल और डीजल भी मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर इसमें मिसिंग है। एक ये चीज़ मेरे को इसमें नेगेटिव लगी इस बेस वेरिएंट के हिसाब से, बाकी हर एक चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इस कार में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैट ब्लैक कलर के अंदर आपको इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल दी जाती है। सेंटर में यहाँ पर इसमें होंडा का लोगो आपको मिल जाएगा। हेडलैम्प यूनिट की बात करें यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प ऑफर किए जा रहे हैं बेस वेरिएंट के अंदर भी, जो कि और कोई भी कार ऑफर नहीं कर रही है इस सेगमेंट के अंदर। LED DRLs प्लस साइड टर्न इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। फॉग लाइट्स इसमें यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। सिल्वर कलर की आपको यहाँ पर स्किड प्लेट जरूर से मिल जाती है। बाकी यहाँ पर फ्रंट के अंदर पूरे क्रोम इंसर्ट्स भी आपको इसकी ग्रिल के ऊपर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कार का कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और ना अब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड में आपको यहाँ पर आती इसमें देखने को मिल जाएंगे इसके 16 इंचेस के स्टील व्हील्स जो कि आते हैं यहाँ पर इसके अंदर 215/60R16 टायर प्रोफाइल के साथ। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स हैं इसके ऊपर। यहाँ पर कोई भी व्हील कवर वगैरह आपको इस वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगा। वी वेरियंट ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर व्हील कवर भी इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस जिसके ओवर वीएम्स पर, इसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन फोल्ड आप इन्हें नहीं कर पाएंगे, फोल्ड आपको इनको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको कोई भी टेपिंग वगैरह भी देखने को नहीं मिलती है जो कि आपको हायर वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात है, यहाँ पर आपको क्रोम विंडो लाइनिंग इसमें ज़रूर से मिल जाएगी। और साथ ही साथ ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया जा रहा है इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए। तो यहाँ पर कीलेस एंट्री है तो पुश बटन स्टार्ट भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। फुल बॉडी क्लैडिंग इस कार में यहाँ पर ऑफर की जा रही है। और साइड प्रोफाइल की अगर कंप्लीट बात करें तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक इस कार का मिल जाता है। रूफ की बात कर लेते हैं तो रूफ पर आपके यहाँ पर इसमें रूफ रेल्स तो नहीं मिल रही हैं, पूरी प्लेन रूफ ही आपको यहाँ दी गई है। पीछे आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। VX वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको रूफ रेल्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ ना एक सनरूफ भी उसके अंदर दी जाएगी। बाकी अब जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंजन कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक इंजन ऑप्शन आ रहा है इस कार में। यहाँ पर इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि ना यहाँ पर इस कार के अंदर प्रोड्यूस करता है 121 PS की पावर और साथ ही साथ निकाल कर देता है 145 Nm का टॉर्क। फोर सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है ये जो कि बहुत ही ज्यादा रिलायबल ओवरऑल माना जाता है। और ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन्वॉल्व वन के स्नोफॉल का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम ने एक बहुत ही ज्यादा कूल एंड रिफ्रेशिंग ओवरऑल फ्रेग्रेंस आपको ऑफर करता है। इसके आप वैसे नाम से पता लगा पा रहे हो कि एक ठंडक भरा सा एहसास आपको मिल जाएगा इसको कार के अंदर लगाने के बाद। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जरूर से जाकर इसे बाय करें। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज मैं 100% श्योर हूँ एक बार लेने के बाद ना नेक्स्ट टाइम भी आप इसी को बाय करने वाले हो, इतना मस्त परफ्यूम है ओवरऑल ये। बाकी 50-60 डेज तक ये बहुत ईजिली लास्ट भी कर जाता है। अभी के लिए फिलहाल रखते हैं इसको यहाँ पर इसके बॉटल होल्डर में। एंड बात कर लेते हैं कार के रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर में आती है आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलती है इसकी LED टेल लैंप्स जिनका की डिजाइन आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ओवरऑल अच्छा है। आईटेक की आपको यहाँ बैजिंग मिल जाएगी, एलिवेट की बैजिंग यहाँ पर इसमें दी गई है। होंडा का लोगो आप देख सकते हो। चार पार्किंग सेंसर्स आएंगे, रियर रिफ्लेक्टर्स हैं, सिल्वर कलर में स्किड प्लेट्स हैं, वाइपर वॉशर डिफॉगर कुछ भी नहीं आएगा इस कार के अंदर। बाकी ओवरऑल कंप्लीट बैक प्रोफाइल का लुक आप यहाँ पर अब देख सकते हैं। ब्रेक लाइट यहाँ पर इसके अंदर की तरफ इसमें दी जा रही है, कोई भी ऊपर अलग से यहाँ पर इसमें नहीं दी गई है। कैमरा वगैरह बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर नहीं आएगा। बाकी इस साइड से भी आप एक बारी कंप्लीट लुक देख सकते हो कार का, कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाता है। और अब ना चलते हैं एक बारी कार के अंदर एंड देखते हैं कि कैसे कुछ इंटीरियर्स इस कार में यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। डोर पैड की अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो कुछ ऐसा ही आपको ड्यूल टोन के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर इसमें ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स ओवर ही आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ डोर हैंडल है, हार्ड प्लास्टिक्स आपको मिलेंगे। बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर के लिए खाली जगह दी गई है, बाकी ट्वेटर वगैरह नहीं आएगा। डोर ओपनिंग अच्छी खासी आपको यहाँ मिल जाती है। कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आएगी। सीट्स के अंदर यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट आ रही है जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट है। अंदर चलते हैं कार के, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ कंप्लीट इसका लेआउट देखने को मिलने वाला है।
बाकी गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये कीज़ की अगर यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर इस कार में कुछ इस तरह की कीज़ आती है, आप देख सकते हो लॉकर अनलॉक के ऑप्शन के साथ ही आएगी। पीछे यहाँ पर इसमें होंडा का लोगो दिया गया। बाकी एंड हाँ एक बार कर लेते हैं कार को स्टार्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आपके यहाँ मिल जाएगा। एंड ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीरियर लेआउट। सबसे पहले अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इसके बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ही सेम होंडा सिटी के तरह देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो कंप्लीट डायल्स वगैरह वैसे ही हैं। यहाँ पर स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, सेंटर में इसकी एमआईडी स्क्रीन, स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको सभी के सभी ना स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, बट कोई भी म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं आएगा, कोई भी आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह इसमें नहीं मिलता। ये दे दी अच्छी बात है, म्यूजिक सिस्टम अगर आप बाहर से लगाओगे तो भी ये कंट्रोल्स आपके वर्क करेंगे। एडजस्टमेंट की बात करें तो बेस वेरियंट के अंदर ना स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वेज में एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर इसमें हेडलैम्प के लिए टॉगल, इधर है वाइपर के लिए टॉगल, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, इधर यहाँ पे कैबिन की इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा करने का ऑप्शन, और साथ ही साथ ट्रिप और क्लॉक का एक स्विच दिया गया। एक एसी वेंट यहाँ पर दिया गया। नीचे आपको यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा। हेडलाइट लेवलर आ रहा है यहाँ पर। एंड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पर कोई भी स्क्रीन वगैरह नहीं मिलेगी, आफ्टर मार्केट आपको लगवानी पड़ेगी। यहाँ पर इसमें दो एसी वेंट्स, हज़ार लाइट का स्विच, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा बेस वेरियंट से ही। पावर आउटलेट आपको यहाँ नीचे मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस दी गई है और दो बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे गियर लिवर है। रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंसर्स की साउंड मिलेगी, क्योंकि भी कैमरा वगैरह का डिस्प्ले आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एंड पीछे स्टोरेज स्पेस है, ग्लॉसी ब्लैक ये पूरा पैनल है। हैंड ब्रेक पीछे आम डिस्क मिल जाता है सॉफ्ट कुशनिंग के साथ, जो क्या आता है फैब्रिक में ही है वैसे, और अंदर स्टोरेज स्पेस भी है इसके। सीट्स देख लो ऐसी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ब्लैक एंड बेज कलर के अंदर ना। आपको यहाँ फैब्रिक सीट्स दी जा रही है अवेले वेरियंट के अंदर। एंड कुशनिंग जो है ना वो अच्छी खासी आपको मिल जाती है, मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट इन क्लास कंफर्ट इस कार में यहाँ पर ओवरऑल दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको ऐसी कुछ फिनिशिंग मिलेगी मैट के अंदर। यहाँ पे बेज इंसर्ट्स हैं, ब्लैक इंसर्ट्स हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लव बॉक्स ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस के साथ आ रहा है। ऊपर लाइट है यहाँ पे हेलोजन में। इधर सनसीट के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैनुअल डे नाइट आरपीएम, इधर अगेन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर बात करें यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपके इसमें फ्रंट टू एयरबैग्स मिल जाएंगे, और आपको यहाँ एबीएस, डीडी, ब्रेक असिस्ट, आइस ऑफ एक्स, सीट माउंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं। फिलहाल के लिए करते हैं कार को बंद एंड चलते हैं इसकी बैक सीट में। देखते हैं कि बैक सीट में कैसा कुछ कंफर्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यह है इस कार का बैक डोर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा ही आपको ड्यूल टोन में मिलेगा। यहाँ पर इसमें विंडो का स्विच यहाँ पर है, इसमें बॉटल होल्डर, नीचे स्पीकर की खाली जगह मिलेगी, डोर हैंडल ऐसे कुछ है, हार्ड क्लासिक से आपको यहाँ मिलेंगे। डोर ओपनिंग अच्छी खासी आपको मिल जाती है कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने के लिए। यहाँ पर आपको इसमें दो एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट वगैरह इसमें सेंटर में नहीं दिया जा रहा है। आइस ऑफ फिक्स सीट माउंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी अंडर थ सपोर्ट इस कार में अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। कुशनिंग वगैरह भी ना इन सीट्स की यहाँ पर काफी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसमें रियर एसी वेंट्स दिए जा रहे हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। एंड मैप पॉकेट्स वगैरह इसमें नहीं आ रही हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाता है। ओवरऑल स्पेस वगैरह की बात करें काफ़ी अच्छा ओवरऑल नी रूम, लेग रूम और हेड रूम यहाँ पर मिल पा रहा है। यहाँ पर एक लाइट है हेलोजन में जो कि रहेगी, और इस साइड पर आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल ऐसा कुछ यहाँ मिल जाएगा। सेंटर में बहुत ही थोड़ा सा इंपैक्ट, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। एंड स्पेस इस कार में अच्छा खासा आपको मिल जाता है। कुशनिंग भी अच्छी खासी यहाँ दी जा रही है। एंड टू एडल्ट्स और एक किड काफी इजीली बैठ सकते हैं। अब चलते हैं फिर से कार के बाहर एंड चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया। तो गाइस इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन, जिसको कि प्रेस करके आप इसका टेल गेट ओपन कर सकते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है यहाँ पे कीलेस एंट्री के लिए। एलईडी नंबर प्लेट लाइट आप यहाँ पर इसके देख सकते हैं। बूट स्पेस यहाँ पर इसमें बेस्ट इन सेगमेंट है, जो कि है 458 लीटर्स का। रियर सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आएंगे इस कार में, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके नीचे आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि है 16 इंचेस का ही। साथ ही आप यहाँ पर इसकी टूल किट भी देख सकते हैं, यहीं पर ये प्रॉपरली पैक कर दी जा रही है। बूट लाइट वगैरह यहाँ पर नहीं आएगी। पार्सल ट्रे भी यहाँ पर बेस वेरियंट के अंदर नहीं दी जाएगी। और अपना बंद करते हैं इसके टेल गेट को एंड बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस बेस वेरियंट का प्राइस है 10.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम, ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर ही आपको पड़ने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपीज की। मेरे को पर्सनली ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के स्नोफॉल का परफ्यूम का, जिसे की जाकर आप जरूर से बाय कर लें, ताकि एक मस्त फ्रेग्रेंस का मजा आप भी अपनी कार के अंदर ले सकें। बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। होंडा एलिवेट के बाकी सभी वेरियंट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ना एलिवेट के सभी वेरियंट्स की कंपैरिजन वीडियोस भी मैं शूट कर चुका, तो उनका भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। इतना ही था इस वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।